नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में नई ऊर्जा का निर्माण करेगी, शरीर में खून की कमी को पूरी करेगी, शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरी करेगी। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या पूरे दिन आपको थकान रहती है या आपके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो उन सभी चीजों में यह दो चीजें बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम करेगी और इसे आप अपने घर पर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली चीज है वह है हमारी खजूर, काली खजूर। दोस्तों, खजूर के फायदे आपने सुने ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसके खाने का तरीका और इसके खाने की मात्रा और कितने समय तक आपको खाना है और इसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक जुड़े रहे। दोस्तों, खजूर खाने से आपके शरीर में ताकत का निर्माण होता है, यह शरीर में नए खून का निर्माण करती है। इसी के साथ साथ यह आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपके पेट में गैस बनती है या एसिडिटी रहती है उसके लिए भी यह बहुत अच्छी है। अगर आपको आपका वजन कम है, आपकी गाले पिचकी सी रहती है, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें भी यह काफी लाभदायक होती है। और आपके शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहता है, उसे भी यह बिल्कुल ठीक करती है। दोस्तों, इसका प्रयोग आपको करना कैसे है, आपको दो से तीन खजूर रात में एक गिलास पानी में भिगाकर रख लेनी है। एक गिलास अगर आपके पास, या तो पानी में भिगाकर रख सकते हैं या अगर आपके पास दूध है तो सबसे अच्छा रहेगा। एक कप दूध में आपको तीन से चार खजूर भिगाकर रख लेनी है और सुबह उठते ही खाली पेट आपको उस दूध को मैश करके, यानी कि उसे ग्राइंडर करके उसका सूप बना लेना है। अगर आप सूप बनाने की सुविधा आपके पास ना हो तो आपको करना क्या है, आपको वो खजूर खा लेनी है और ऊपर से उस दूध का सेवन कर लेना है। ऐसा आप 10 से 15 दिन करेंगे तो आपके अगर जोड़ों में पुराने से पुराना दर्द है या हड्डियों में पुराने से पुराना दर्द है वह भी निकल जाएगा और शरीर में जो अंदरूनी कमजोरी आ रखी है वह भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और आपके यह हल्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी संपूर्ण हेल्थ के लिए यह बहुत ही अच्छा प्रयोग रहेगा। दोस्तों, जो दूसरा प्रयोग है वह आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या देखी गई है कि उनमें हमेशा खून की कमी रहती है, वो कमजोर सी रहती है, या लड़कों में इसकी समस्या हो, इसके अलावा उन्हें भूख कम लगती हो, उन्हें की पाचन क्रिया सही नहीं हो, उनकी जो शरीर में ताकत है वह बहुत कम हो, तो इसके लिए आपको क्या प्रयोग करना है। जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो मुनक्के का प्रयोग करना है, लेकिन आपको मुनक्के नुकसान भी दे सकते हैं, इसीलिए उसे सावधानी से प्रयोग करें। जैसे मैं आपको बताऊंगा आप इसी प्रकार से इनका प्रयोग करें। आपको क्या करना है, आपको 8 से 10 मुनक्का लेने हैं और उन्हें रात भर एक गिलास पानी में आपको भिगा कर रख लेना है। गर्मियों में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मुनक्के कभी भी बिना भिगाए ना खाएं, क्योंकि इनकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है। अगर आप बिना भिगाए इन्हें खाएंगे तो यह आपको नुकसान कर सकते हैं, आपके पेट में एसिडिटी बना सकते हैं या पेट का दर्द कर सकते हैं या गैस बना सकते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में आप जब भी मुनक्के खाएं तो उन्हें पानी में भिगाकर रखें रात भर, तब वह खाएं। सर्दियों में आप मुनक्का बिना भिगाए भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको करना क्या है, आपको 8 से 10 मुनक्का लेने हैं, उन्हें आपको एक गिलास पानी में भिगाकर रख लेना है और उसे सुबह आपको खाली पेट उस पानी को भी पी लेना है और वह मुनक्के भी खा लेने हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन यानी के खून की जो मात्रा है वह एकदम 10 से 15 दिन में बिल्कुल पूरी हो जाएगी और आपकी जो शारीरिक कमजोरी है वह भी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपको अपने शरीर में नई ऊर्जा का निर्माण लगेगा। अगर आप हमेशा, आपको लगता है कि मुझे बुखार सा रहता है या बीमार सा महसूस करते हैं, तो यह सारी समस्या आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये दोनों जो प्रयोग है यह आपके कैल्शियम की कमी, आपके अंदर विटामिन्स की कमी, आपके अंदर मिनरल्स की कमी, सभी चीजों को यह पूरा करती है। और आप इन चीजों का एक चीज और हमेशा ध्यान रखें,
अगर आप दोनों में से कोई भी चीज प्रयोग करना चाहते हैं तो दोनों चीजों का एक साथ प्रयोग ना करें। अगर आपको खजूर का प्रयोग करना है तो पहले वही प्रयोग करें, अगर आपको मुनक्का का प्रयोग करना है तो पहले मुनक्का ही प्रयोग करें, दोनों चीजें साथ में ना करें, यह आपको नुकसान दे सकती है। आपको मैं खजूर के और फायदे बताता हूँ। यह सेक्स पावर बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी है। जिन पुरुषों की वीर्य की शक्ति कम हो गई है या उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो गई है या उनकी जो भी यौन इच्छा है वह बिल्कुल कम हो गई है, उसे भी यह बहुत अच्छी तरीके से पूरी करती है। दोस्तों यह दोनों बहुत ही कारगर उपाय है, इनका प्रयोग करके अच्छे से अच्छा इंसान भी दौड़ने लगता है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण आ जाता है और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी ये जो हमने जानकारी दी है पसंद आए, तो हमें कमेंट करके आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हमें भविष्य में किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनानी है वह भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।